गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र सिंह इन्फिनिटी टीम से आपके समर कैंप में ML एकेडमी में आपको योग सिखाने के लिए जा रहा हूँ। दोनों हाथ आई की ओर लाएंगे, धीरे धीरे बाएं पैर को मोड़ते हुए दाहिने पैर को मोड़ेंगे और धीरे से वज्रासन में बैठते हुए आज हम सीखेंगे बैठने के योग में आसन, जो हम सुखपूर्वक बैठ सकते हैं आसनों में, ऐसे आसनों में हम बैठेंगे। यह है वज्रासन। अब हम दो साइड से दोनों हाथ ले जाएंगे और आगे की ओर पैर को खोल लेंगे। अब हम अगला आसन सिद्धासन में बैठेंगे। तो बैठने का तरीका, सबसे पहले दाएं पैर को मूल स्थान पर रखते हुए मध्य में, दूसरे पैर को भी रखते हुए और दाहिने पैर के ऊपर रखते हुए ये सिद्धासन। इस आसन में हम काफी लंबे समय तक बैठ सकते हैं तथा सिद्ध पुरुष सिद्धियां इत्यादि चीज इसी आसन में बैठकर करते हैं। इसमें हमें ऊर्जा प्राप्त होती है इस आसन में। जब हम इस आसन में बैठ के ध्यान केंद्रित करते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं या गुरु का सिमरन करते हैं, ईश्वर का सिमरन करते हैं, तो हमें काफ़ी समय तक हम इस आसन में बैठ सकते हैं और भी ऊर्जा हमें अधिक से अधिक प्राप्त होती है इस आसन में। अगला बैठने का ही आसन, जो बैठकर हम काफ़ी लंबे समय तक पूजा आराधना उस आसन में कर सकते हैं, उस आसन का नाम है पद्मासन। पद्मासन में दोनों पैरों को हम दोनों जंघा के ऊपर रखते हैं। तो देखें, ध्यान से बिल्कुल देखें, पहले सिद्धासन को हम खोलते हुए, अब हम पद्मासन में बैठेंगे। तो सर्वप्रथम बाएं पैर को फोल्ड किया, दाएं पैर की जंघा पर रखते हुए ऊपर पंजे को कर दिया बिल्कुल। अब हम दूसरे पैर को फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों की सहायता से धीरे धीरे लाकर दूसरी जंघा पर रख देंगे। यह पद्मासन हुआ। इस आसन में हम जितने समय बैठ सकते हैं उतने समय आवश्यकता अनुसार बैठें तथा बाद में हम पैर को खोल देंगे, क्योंकि शुरुआत में हमारे पैर इस आसन में दुखते हैं। अभ्यास करते रहते हैं तो लंबे समय तक हम इस अभ्यास में बैठते हैं और यदि हम इस आसन में बैठकर पूजा आराधना या ईश्वर का नाम जपते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को। ऐसी ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा हमें प्राप्त होती है और बिल्कुल शरीर गर्दन बिल्कुल सीधे रखते हैं। जितने समय हम बैठेंगे उतना लाभ हमें इस आसन से मिलता है। अब हम इस आसन को खोलते हैं। जिस तरीके से हमने इस आसन को लगाया उसी तरीके से हम इस आसन को खोलेंगे। तो हाथ से बड़े आराम से पकड़ा और आगे की ओर सीधा कर देते हैं आराम के साथ, और इसी तरीके से दूसरे पैर को पकड़ा और धीरे से रख दिया और धीरे से दोनों पैरों को हिलाया। इसके बाद आता है सुखमय आसन, सरल आसन जिसे हम बोलते हैं। तो सुखपूर्वक बैठना, जैसे आमतौर पर हमेशा हर व्यक्ति उस आसन में बैठता है, ये पैर इधर लिया, दायां पैर और बायां पैर इधर, सुखपूर्वक बैठना आराम के साथ, इसमें सरल आसन किसे बोलते हैं। इसमें हर कोई व्यक्ति बैठता है, बड़े आराम से बैठता है। योग के अभ्यास में हम भिन्न भिन्न आसन जो आपको बताए हैं, सरल आसन से ऊपर उठेंगे तो सिद्धासन, सिद्धासन से
उठे। वज्रासन, वज्रासन में बैठेंगे, उसके बाद आप चाहे पद्मासन में बैठें। और पद्मासन ऐसा आसन है जो भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय में बैठे उसके लिए बड़े फायदेमंद है। बहुत शक्ति में ऊर्जा प्रदान करता है शरीर को और बड़ा अच्छा महसूस होता है। तो अब हम इस सरल आसन को खोलते हुए धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे, धीरे धीरे खोलेंगे। तो हमने आपको चार जो आसन बताए हैं बैठने के तरीके, इन तरीकों को आप बार 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 आप दोहराएंगे। तो ध्यान रखें, वज्रासन, बाएं पैर को मोड़ते हुए, दाहिने को मोड़ते हुए और दोनों एड़ियों के बीच में गैप रखेंगे, बिल्कुल गैप, और एड़ियों के बीच में गैप रखेंगे। देखिए एड़ियों के बीच में गैप रहेगा और अंगूठा एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, और धीरे से आराम के साथ अपने नितंबों को इन दोनों के बीच में टेक देंगे कुर्सी की तरह, या इतना भी बैठ लीजिए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, बैठते हैं वैसा ही आपको महसूस होएगा। तो जैसा गद्दी पे आप बैठते हैं वैसा ही आपको महसूस होएगा बैठते हुए, और बिल्कुल लंबे समय तक आप इसमें भी बैठ सकते हैं। लेकिन आपको जब लगे कि पैर ज़्यादा दुखते हैं तो आप धीरे धीरे इस आसन को खोल लें। ठीक है, और ये आसन वज्रासन खाना पचाने में बहुत सहायक होता है, कब्ज के लिए बहुत अच्छा होता है। खाना खा के हम कम से कम कुछ 50 या 100 कदम चलें और उसके बाद ठीक इस आसन में बैठ जाएं। ये एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, अन्यथा कोई भी आसन खाना खाने के तुरंत बाद नहीं किया जा सकता है। ये एकमात्र आसन है वज्रासन, जो कि ये हमारे शरीर को, हमारी जंघा को, हमारी पिंडियों को वज्र के समान मजबूत करता है, इसलिए इसका नाम वज्रासन पड़ता है। ये आसन बहुत अच्छा है। अब इस आसन को हम खोल देंगे, फिर हम अगला आसन पुनः दोहराएंगे सिद्धासन को। ये आसन बार बार हमें दोहराने हैं जिससे कि हमारा शरीर उसी प्रकार ढल जाए और हमें बैठने में कोई दिक्कत ना हो। अब इस आसन में हम कुछ समय बैठेंगे और आंखें बंद करके मुद्रा में बिल्कुल श्वास अंदर बाहर करेंगे। श्वास को खींचेंगे, कुछ समय शरीर के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे पुनः वापस छोड़ देंगे। जितनी देर हम बैठेंगे अभ्यास करेंगे उतना ही लाभ हमें इन आसनों से मिलेगा। पूरी श्वास अंदर बाहर, धीरे से श्वास बाहर, धीरे से श्वास लेते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अगले आसन को दोहराएंगे। तो पहले हम इस आसन को खोलते हुए दोनों हाथ पीछे रखेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए दोनों पैरों को हिलाएंगे। आराम की स्थिति में गर्दन ऊपर, गहरी लंबी श्वास धीरे से छोड़ते हुए, श्वास खींचते हुए आराम की स्थिति, सुख का अनुभव, तथा फिर हम अगले आसन
पद्मासन की ओर। तो पद्मासन को वैसे ही बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर की जगह पे और दाहिने पैर को लाइन के पास में और फिर हाथों के सहारे से बाएं पैर की जगह पर यह मुद्रा बना लेंगे। इसमें विश्वास प्रश्वास हम करेंगे। तो श्वास खींचते हुए श्वास निकालते हुए श्वास खींचते हुए श्वास निकालते हुए जितने समय आप बैठ सकते हैं इस अभ्यास में उतने समय बैठें। आवश्यकता अनुसार ही इसका समय अवधि बढ़ा लें। इन आसनों में बैठकर हम प्राणायाम भी कर सकते हैं। जिससे हमें भरपूर मात्रा में फायदा ऊर्जा हमें मिलती है। प्राणायाम करने से और भी ज़्यादा विस्तार प्राणों का होता है यानी श्वास गति हमारी बढ़ जाती है। और जब श्वास गति हमें बढ़ जाती है तो जैसे कोई रेस करता है या संगीत का गाना गाना उसके लिए बड़े फायदेमंद है प्राणायाम। सुर आवाज़ मधुर हो जाना प्राणायाम की खास बात है। प्राणायाम सुखद भाव से करना चाहिए। आसन भी मुस्कुराते हुए करना चाहिए। ये ना सोचें कि बैठने में कष्ट हो रहा है। कष्ट के लिए नहीं बैठे हैं हम। हमें जितना बैठना है सुखपूर्वक बैठना है। सुखपूर्वक हर मतलब किसी भी अवस्था में सुखपूर्वक बैठना ही आसन है। तो सुख को महसूस करें उस बैठने वाली अवस्था में। सुख को महसूस करें, सुख को आनंद को महसूस करें, तभी आपको सुख की प्राप्ति होगी, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। उस सुख में ऊर्जा की प्राप्ति होगी तथा शरीर आनंद में रहेगा। गहरी लंबी श्वास धीरे से छोड़ते हुए तथा आसन को हम खोलेंगे। अब अगला आसन सरल आसन में हम बैठेंगे। तो धीरे से आसन को खोलते हुए पैर सीधा करेंगे। दूसरे पैर को आराम के साथ खोलते हुए दोनों हाथ पीछे लाएंगे। इस आसन में बैठने से कभी कभी पैरों में कीड़ियाँ भी चल जाती हैं। चीटियाँ जिसे बोलते चीटी चल रही है, कंपन हो रहा है, करंट सा दौड़ रहा है या बिजली सी चल रही है, ऐसा होने लगता है। तो धीरे धीरे खोल कर इन्हें इस तरीके से पैर को हिला लेंगे जिससे कि खून का दौरान स्वतः प्रातः सामान्य हो जाए और हमें एक आनंद की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो। अगला आसन सरल आसन। तो प्रत्येक व्यक्ति बैठता अवश्य है उस आसन में लेकिन नाम नहीं जानता, तो उसे सुखासन भी कहते हैं, सरल आसन भी कहते हैं। पैर रोकते हुए सरल आसन में बैठेंगे, जिसे पलाथी मारकर कहते हैं। पलाथी मारकर बैठ जाइए। तो ठीक है, पलाथी मारकर बैठ जाते हैं और बड़े आराम से सुखपूर्वक इसमें भी लंबे समय तक हम सुखपूर्वक बैठते हैं। श्वास प्रश्वास का आना जाना हम पुनः स्टार्ट करते हैं। गहरी लंबी श्वास लेते हुए कमर गर्दन बिल्कुल सीधे, हमें सीधे ही बैठना है आसनों में। मुड़कर नहीं बैठना है, साइड से नहीं बैठना है, सहारे से नहीं बैठना है।
सुखपूर्वक श्वास ली जा रही है, छोड़ी जा रही है। पूरा ध्यान श्वास पर, मानो हम नासिका छिद्रों से श्वास ले रहे हैं और वह श्वास हमारे गले से स्पर्श होते ही, फेफड़ों से स्पर्श होती ही, हृदय से स्पर्श होती हुई नाभि तक जा रही है, नाभि तक जा रही है, जा रही है, जा रही है, तथा वहां हमें भरपूर फायदा मिल रहा है। श्वास आ रही है, जा रही है। पूरा ध्यान श्वास पे रखें, पूरा ध्यान श्वासों पे रखें, उसे महसूस करें और मन की दृष्टि से उसे देखने की चेष्टा करें, देखने की चेष्टा करें, देखने की चेष्टा करें। सुख भरा श्वास, आनंद भरा श्वास, सुखमय ऊर्जा, आनंदमय ऊर्जा। और इसी के बाद हम शांति पाठ की ओर चलेंगे। सुख में आसन में ही बैठे हुए ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा काशिक दुखे भवे। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सुख की अनुभूति, ऊर्जा की अनुभूति, इसी के साथ सभी का, सभी सुखी रहें, सभी का मंगल, सभी स्वच्छ रहें, सभी स्वस्थ हों। यह सभी आसन बैठने वाले आज आसन किए, इनका अभ्यास आप करते रहें, करते रहें और सुख का अनुभव करते रहें। जैसे जैसे आप आसनों का अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे अनेकों फायदे आपको इनके मिलते रहेंगे और आपका डाइजेशन का सिस्टम भी अच्छा होता चला जाएगा तथा आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा महसूस होने लगेगी। पेट आपका मजबूत रहने लगेगा, कमजोर नहीं रहेंगे, मजबूती की ओर बढ़ने लगेंगे। इसी के साथ दोनों हाथ आपस में रगड़ें और एक ऊर्जा उत्पन्न करें। ओजन जो ऊर्जा आपके हाथों से उत्पन्न हुई है उसे अपने चेहरे पे लगाएं। आनंद आनंद महसूस करते हुए, कहते हुए आनंद आनंद, और धीरे से आंखें खोलेंगे। शरीर पे घुमाते हुए आसन को खोल देंगे और धीरे से दोनों पैरों को आगे करते हुए हिलाते हुए आराम की स्थिति में सुख का अनुभव, सुख का अनुभव, सुख का अनुभव।